क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? जिला छापरा। क्या हुआ था आपको? मैं डिजिटल न्यूज 20 से अरुण कुमार शाही। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पेशेंट यहाँ लावारिस हालत में, बेहोशी की स्थिति में आया था, आपने इनका अथक प्रयास से आज इनकी सांस लौटी है, ये कब आया था और क्या बीमारी थी? मेरा नाम डॉक्टर मुरारी कुमार है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ और डॉक्टर भारतेंदु कुमार सर के यूनिट में हूँ। अच्छा। तो ये जो मरीज है, लावारिस मरीज है और बेहोशी की हालत में आए हैं, तो इनका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। ऐसा भी सुनने में आया है कि आप अपनी दवा अपने ओर से सुई दवा चलाए हैं, ब्लड वगैरह तक की आप व्यवस्था किए हैं? व्यवस्था किए हैं और इनका टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह, हाई प्रोटीन डाइट के लिए प्रोटीन पाउडर वगैरह अपने पास से हमने इनको दिया है। अच्छा। और इनकी ड्रेसिंग करी है। ये बेहोशी की हालत में थे, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कुछ कम था, ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया, फ्लूड वगैरह चढ़ाए हैं, एंटीबायोटिक्स दिया गया है, तो काफी इम्प्रूवमेंट है। पेशेंट बात भी कर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत जैसा कि आपने देखा है, बात भी कर रहे हैं। और अपना नाम ये चंदेश्वर राय बताते हैं, पिताजी का नाम पियासल राय बता रहे हैं, घर ये बलीमापुर बता रहे हैं, थाना तरैया, जिला छपरा बता रहे हैं, इतना एड्रेस ये बता रहे हैं। और भूषण सिंह का कोई मेडिकल स्टोर है, उसके पास बता रहे हैं घर है। और एक बात और ये बीच बीच में बोल रहे हैं कि देवरिया में जहाँ प्लेन गिर गया था, ऐसा कुछ जगह बता रहे हैं, उसके आसपास इनका घर है। ये तीन चार बातें पॉइंटर ये दे रहे हैं, बाकी बहुत डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं। मानसिक स्थिति भी इनकी थोड़ी सी खराब लग रही है, बीच बीच में हाथ हिलाना, बुदबुदाना, ये सब चीजें हैं। तो इनका ये सब अभी स्थिति है, स्थिति में काफी सुधार हुआ है, हम अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। किन्हीं को जानकारी हो उनके विषय में, कोई उस क्षेत्र के हों या कुछ जानते हों उनके विषय में, तो कृपया इसकी मदद करें। पेशेंट में आपको काफी सुधार है? हाँ जी, पूरा सुधार है अभी। अच्छा। बनिया है, खाना ना खा रही है, उस घरित आए तो कुछ भी नहीं खाते, अभी तो खाना ना खा रही है, बोल चाल कर रहे हैं तब। अच्छा, बेहोशी की अवस्था में आया था। आप इसके केयर टेकर हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राम। राजेंद्र जी, आप बताइए कि इसका अब क्या है, पहले से स्थिति? बहुत अच्छा। तो सर ये SKMCH के लावारिस वार्ड में अभी भर्ती हैं, खुद स्वयं भी देखने आए हैं। अच्छा। देख के सर ने एडवाइस जो किया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। खुद से इसका संज्ञान ले रहे हैं, बार बार इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ड्रेसिंग वगैरह मैं स्वयं कर रहा हूँ इसका, केयर टेकर भी बहुत मदद कर रहे हैं, सिस्टर भी हेल्प कर रही हैं। तो आपका क्या नाम है? दीप कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? घर हुआ केसरिया थाना, ढेकहा मठ पर, मठ के बगल में। कौन मठ? ढेकहा मठ। अच्छा। जिला? जिला मोतिहारी। अच्छा, क्या हुआ था, आप कैसे SKMCH पहुंच गए? कैंप में कैसे पहुंचे तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको मार कर पैसा हमारा छीन लिया था मुजफ्फरपुर में। कोई मुजफ्फरपुर में कहाँ पर ये याद नहीं है। आप कौन सा काम करते हैं? हम घर पर ही रहते हैं। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर कब और क्यों आए थे? मुजफ्फरपुर इलाज कराने आए थे। अच्छा, कितना पैसा छीन लिया? 3-4 हजार था। अच्छा, और उसके बाद आपको बिक दिया, तो आप अपने होश आया तो आप मेडिकल में पाए? हाँ। अच्छा, मेडिकल में भी 1-2 दिन का बाद ही हमको शायद होश आया। अच्छा, तो घर वालों को आपकी सूचना नहीं है? कोई सूचना नहीं है। आपके पिताजी हैं? नहीं, डेथ कर गए। अच्छा, भाई? भाई भी डेथ कर गया। अच्छा, बाल बच्चे? बाल बच्चा है। क्या नाम है बच्चे, क्या करते हैं? बच्चा हमारा आसाम में रहता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक राज। अच्छा, एक ही बच्चा है? हाँ। अच्छा, घर में पत्नी उतनी? पत्नी, दो लड़की है। अच्छा, पत्नी घर पे है? हाँ, पत्नी या दो लड़की घर पर है। क्या नाम है पत्नी का? संगीता देवी। और बच्ची सबका? बच्ची का एक का आरती जो है, एक का पल्लवी। अच्छा, शादीशुदा है बच्ची? नहीं, शादी कर दिए, उसका नाम ज्योति है। आईसीयू में भर्ती था। अच्छा। आईसीयू में भर्ती था, ऊपर से होश आ गया, हमको बुलाए, ऊपर से इंचार्ज दे, हम गए थे, इसको सेवा वा कर दिए, ऊपर साफ सुथरा कर दिए, और तब बोला था कि इसको होश आ जाएगा ना, तो इसको नीचे हम भेज देंगे। हम बोले ठीक है, भेज दीजिएगा। पेशेंट के विषय में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि अभी पेशेंट का क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति कैसा लग रहा है? मानसिक स्थिति पहले से काफी बेटर है। अच्छा। जब आए थे तब भी कोमाटोज थे, बेहोश थे, बता नहीं रहे थे कुछ भी, होश में ही नहीं थे। धीरे धीरे काफी सुधार हुआ है, पैर के घाव में भी काफी सुधार है। अच्छा। इनकी स्थिति पे बारीकी से नजर रखी जा रही है। अच्छा। यूनिट इंचार्ज डेली आते हैं इसको देखने के लिए, जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो किया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है, प्रॉपर खाना मुहैया कराया जाता है, दवाएं दी जा रही है, काफी सुधार है पेशेंट, पहले से काफी सुधार है। अच्छा राजेंद्र जी, आपने इस पेशेंट को देखा है, शुरू से लावारिस वार्ड में कई पेशेंट है, क्या लग रहा है इनमें सुधार है? लेटेस्ट
सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।